नमस्कार, मैं सुमनलता, आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। लॉकडाउन के बीच वापस घर लौट रहे कुछ मजदूर आज सुबह औरैया में दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में करीब 24 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतक इसी ट्रक में सवार थे। बता दें, इस घटना के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। ये सभी राजस्थान से आ रहे थे और बिहार झारखंड की ओर जा रहे थे। जब मामले की जानकारी प्रशासनिक अमले को हुई तो उनकी होश फक्ता हो गए। आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। बता दें कि औरैया के सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि इस हादसे में 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंसर में, जो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक जिसमें की सुनने के बोरे लेवे थे, राजस्थान साइड से, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ लोग बैठे थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था, शायद ड्राइवर को जबकि चाहिए होगी। साइड में था ट्रक, साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सफाई रेफर करा, जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर माइनर, उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे सबके। 20 लोग यहाँ एडमिट है, 15 लोग सफाई रेफर। कितने सारे हो चुके हैं वहीं से, हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं, सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं। जैसे किसी की डेथ हो गई और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको सही जगह पहुँचा। इसके बाद हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में हुए हादसे को संज्ञान लेते हुए जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी घायलों को तुरंत चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज डिजिटल मीडिया के साथ।